किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत में नहीं लेकिन विश्व में किस महामारी इस प्रकोप का क्या एक स्थिति पूरे विश्व में उत्पन्न होगी। शुरुआत चीन से हुई, अमेरिका और यूरोप में गई, और मैं साधुवाद धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनमें केवल दूरदर्शिता नहीं, केवल दूरदर्शिता नहीं, उनमें केवल संकल्पता नहीं, लेकिन दूरदर्शिता के साथ, संकल्पता के साथ मनुष्य में सही निर्णय लेने का साहस भी होना चाहिए। विश्व के कई देश कपकपा रहे थे कि इसका सामना कैसा किया जाए। केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को पूरे देश को उद्बोधन में यह संकेत दिया, ये निवेदन किया कि हमें लॉकडाउन करना ही होगा। और देखिए आप कमाल, एक तरफ वो दल जिसने आपातकाल इस देश में कायम किया था सत्ता को कायम रखने के लिए, और दूसरे तरफ वो दल के नेता जिसने जान को बचाने के लिए हाथ जोड़ करके देश की जनता को निवेदन किया और 150 करोड़ जनता ने उसके निवेदन का पालन किया। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आपने पार्टी बदली, और इसलिए आज आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हुए हैं साइड साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। कई लोग आलोचना करेंगे कि आपने आपातकाल की बात आज मंच से की, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी सदैव सत्य का साथ दिया है और आपातकाल का विरोध किया है। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। अंत में मनुष्य को अपने आप के साथ जीना है, और अपने आप को शीशे में देखोगे और झूठा पाओगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने लॉकडाउन इस देश में रखा। और कई लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ। अरे उन लोगों को मैं उत्तर देना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक ने देश में लॉकडाउन का आह्वान नहीं किया होता तो इस देश में भी दूसरे देशों की मौतों की कतार लग जाती थी। वो प्रधान सेवक केवल नहीं है इस देश के, आज उन्होंने हजारों लाखों जानों को बचाई है लॉकडाउन आरंभ करके। लॉकडाउन उन्होंने आरंभ किया और कहा उन्होंने कि जान है तो जहां है, जान है तो जहां है। और जब लॉकडाउन की सकारात्मक प्रयोग पूरे देश ने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि
कि अब हमें जान है तो जहां से आगे बढ़कर जान भी और जहां भी की तरफ हमें अग्रसर होना होगा। दूर दृष्टिकोण हमारे देश के प्रधानमंत्री का देखो आप, और केवल कहावत नहीं लेकिन इस कहावत के पीछे अहम कदम। उस समय में जब भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ था, एक पीपीई किट नहीं बनती थी, एक कोरोना का अस्पताल नहीं था, और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सावधानी बरत के रखिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि मास्क पहनिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिएगा, हाथ धोइएगा। और आज जो भूपेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा हूं इस मंच से, केवल एक व्यक्ति है इस पूरे सभागर में जिसमें इन्होंने हाथ में जुराब भी पहनकर आज आए हैं इस सभा में। सावधानी बरतना केवल अपने आप के लिए नहीं, लेकिन सावधानी अपने परिवार के लिए, सावधानी अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें बरतना ही होगा। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भुगता हूं, 30 दिन लगे हैं मुझे, और ये एक ऐसी बीमारी है जो मैं अपने कभी दुश्मन को भी न हो ये कामना करता हूं। तो सावधानी बरतो, अगर अभी तक बचे रहे हो तो अगले 2-3 महीने भी बचे रहना, क्योंकि अभी यह बीमारी समाप्त नहीं हुई है।